हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि फर्नीचर के लिए जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं फर्नीचर देखने के लिए। देखते हैं आज क्या फाइनल करते हैं नहीं करते हैं, और बस अभी निकलते हैं हम अपनी फर्नीचर हंटिंग के लिए। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं फर्नीचर की शॉप में, मधुरा फर्नीचर, और क्रिश यहाँ पर भी फर्नीचर्स देख रहे हैं। ये मंदिर का है, इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है गाइस, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इनका। और ये एक फैक्ट्री आउटलेट है, ये मैन्युफैक्चरर है, सो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको फर्नीचर्स, बहुत ही क्वालिटी फर्नीचर आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। तो ये इनका कलेक्शन है, मैं आपको रफली एक बार दिखा दे रही हूँ। ये सोफा है जो हमने फाइनल किया है, ये एक्चुअली सैम्पल पीस है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और जब ये घर पे आएगा तो मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि क्या हमने ऑर्डर किया है और क्या आने वाला है। वो 2 से 3 दिन के बाद आएगा, क्योंकि वो वापस से उसको रीबिल्ड करके पूरा नया पीस भेजेंगे। और सेंटर टेबल हमें समझ में नहीं आया, सो हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन लेंगे, और डाइनिंग टेबल हमने ऑर्डर कर दिया है, वो जब आएगा तब आपको दिखाएंगे। तो बस अब इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, और घर पहुँचते हैं तो मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस, रास्ते में ये शॉप हमें दिख गई थी, ये मिनी बिग बाजार और कोलकाता बाजार समथिंग करके है, और यहाँ पर जैसे वो शॉप्स होती है ना, उसमें फिक्स प्राइस के सामान होते हैं, लाइक 150 रुपीज़, 50 रुपीज़, उस तरीके की ये शॉप है। इनका क्लोथिंग सेक्शन है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट हाँ, रीजनेबल प्रोडक्ट है, रफ टफ यूज़ के लिए बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और ये क्लोथिंग सेक्शन है इनका, क्लोथिंग में हमें कुछ लेना नहीं था, हमें कुछ होम एसेंशियल्स लेने थे, कुछ जरूरी सामान प्लास्टिक वगैरह के, तो बस वही हम ले रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, जैसे 75 रुपीज़ में इनमें से कोई भी आइटम आप ले सकते हो, इस तरीके से ये 50 रुपीज़ में ये सारे आइटम्स जो रखे हैं, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ऐसे ये इनके आयरन के सामान हैं, आयरन के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे इनके पास ग्लास के प्रोडक्ट्स भी थे, अब 150 में ये आप देख सकते हो। ये सारे बर्तन हैं, एलुमिनियम के हैं, ये बहुत हैवी तो नहीं है, लाइट वेटेड है, बट 150 में आप कोई भी उठा सकते हो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट थे आप यहाँ पे, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट थे, लाइक जिनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है वो लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनका पूजा का एक अलग सेगमेंट था, पूजा के प्रोडक्ट्स अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पॉट्स एंड प्लांटर्स हैं, ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये जैसे इनका प्लास्टिक का सेगमेंट है, प्लास्टिक के कैसरोल्स वगैरह है, क्योंकि वैसे तो हमें तो नहीं चाहिए थे, हमें रिक्वायर्ड नहीं थे, बट बजट फ्रेंडली है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर। और ये जैसे इनके इनके फुटवेयर्स का सेक्शन है, 150 रुपीज़ में कोई भी फुटवेयर आप डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट था, मेनली इनका प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स थे, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी बट खराब भी नहीं थी। तो हम वैसे तो डी मार्ट जाने वाले थे, पर डी मार्ट हमारे यहाँ से बहुत दूर है, सो इसलिए हम यहाँ से ही थोड़ा बहुत सामान हमने उठा लिया। और ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये सॉफ्ट टॉयज हैं, ये थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक है, ये ब्रांडेड नहीं है गाइस, ऐसी रफ यूज के लिए है। मैंने कुछ क्लचर्स लिए थे, क्योंकि क्लचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और प्लास्टिक बहुत अच्छा था इसका, लोकल वाला नहीं था, लाइक टाइट थे क्लचर्स, ऐसा नहीं कि लूज हो, तो मेरे बालों के लिए मुझे टाइट क्लचर्स चाहिए होते हैं। बैंगल्स थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। क्लोथिंग में आप देख सकते हो आप, मैं देख रही थी बट मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आई, तो मैंने लिया नहीं क्लोथिंग में कुछ भी। और बस हम यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे थे, कुछ मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी और ये देख करके शॉप में लोग हंस भी रहे थे। तो बस ये कृष्ण ने अपने लिए आईफोन, सॉरी हेडफोन्स लिए, एक ब्लूटूथ वाला हेडफोन है, और एक उन्होंने नॉर्मल हेडफोन लिया था, जो कि अभी तक तो फिलहाल बहुत अच्छे से चल रहा है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हेडफोन प्रिफर नहीं करते, बिकॉज हम बहुत रफली यूज़ करते हैं। तो बस ये हो गई हमारी शॉपिंग, अब घर पे मिलते हैं। हे गाइस, हम घर वापस आ गए हैं, और फाइनली फर्नीचर का काम डन हो गया। फर्नीचर हमने बुक कर दिया, वो आई थिंक परसों आ जाएगा, 2 दिन के बाद में वो डिलीवर करके जाएंगे, और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या ख़रीदा है हमने।
और इसके अलावा रास्ते में कुछ और सामान खरीदा, एक स्टोर है यहाँ पर मिनी बिग बाज़ार करके, तो वहाँ से भी कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा है, वो भी मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को। और मेरे कुछ पैकेट्स आए हैं, मैंने मीशो से भी कुछ ऑर्डर किए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो बस थोड़ी देर में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। हे गाइस, सो चेंज कर चुकी हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान ले आई थी। एक्चुअली फर्नीचर हमने फाइनल कर लिया था वहाँ पे, बट फ्रेश पीस वो हमें परसों डिलीवर करेंगे, परसों उनकी डिलीवरी होगी, सो एडवांस पेमेंट हम करके आ गए। और रास्ते में हमें एक शॉप दिखी थी, इट्स मिनी बिग बाज़ार और कोलकाता बाज़ार ऐसे कुछ करके शॉप थी, बड़ा सा स्टोर था और वहाँ पर फिक्स प्राइस थे लाइक 150, 200, 180 ऐसे करके वहाँ पे टैग्स लगे हुए थे और उसके नीचे जो भी सामान थे फिक्स प्राइस थे कि 150 में ये सारे सामान ऐसे करके था सारा। सो जो भी सामान हमने लिया है, मुझे जो रीजनेबल लगा वो मैंने ले लिया और मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मुझे सबके प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, सो माइंड मत करिएगा अगर मैं भूल रही हूँ। सो गाइस सॉरी, ये मैंने लिया है एंटी स्लिप मैट, ये ड्रॉअर में बिठाने के लिए मैंने लिया हुआ है और मैंने ऑनलाइन चेक किया था अमेजोन पे, आई थिंक मुझे ये 45 सेंटीमीटर बाई 125 सेंटीमीटर है, अमेजोन पे 45 बाई 500 सेंटीमीटर था, वो मुझे 500 रुपये का पड़ा था, तो ये मुझे 150 का पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको तीन भी लेती तो भी ये मुझे 600 रुपये का कॉस्ट करता, तो उस अकॉर्डिंग ये मुझे रीजनेबल लग रहा था, तो मैंने यही वाला लिया है फिर। और ये अदरक कूटने के लिए ये मेरे पास नहीं था, ये मुझे लेना था, ये भी 150 का था। और ये सरमिक, एग्जैक्ट सरमिक नहीं है ये, कुछ मिक्स सा है, और ये 150 में मुझे 6 प्लेट्स के सेट्स हैं, ये ब्रेकफास्ट के टाइम में ना बहुत यूज़फुल होती है, तो ये मैंने लिए हैं। और ये ट्रे के 2 सेट्स मुझे पड़े हैं 150 के, इसमें दो है, एक ये बड़ा ट्रे है और एक ये छोटा है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें इसलिए ली ना, मैंने ऐसी बहुत सारी शॉप्स देखी हैं, बट वहाँ पर जो सामान होता है ना उतना फ्रेश नहीं दिखता है, स्क्रैच होता है या फिनिश अच्छी नहीं होती, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखी मुझे, सामान सारा अच्छा था, फ्रेश फिनिश था और डिज़ाइंस भी ऐसे नहीं कि ख़राब है या स्क्रैच है, दैट्स व्हाई मैंने ले ली। ये बॉक्स इसकी, इस पर जो MRP ना 104 है, बट ये मुझे 75 रुपीज़ का पड़ गया वहाँ पर। एंड ये वाला ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। एंड कुछ छोटे छोटे क्लचर्स लिए हैं मैंने, शायद आपको लगे कि ये एक्सपेंसिव है, 30 रुपीज़ का ईच है, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ऐसे छोटे क्लचर्स मैंने देखे हैं, वैसे लोकल मार्केट में आप लोगे ना तो 10-10 रुपए में मिल जाएंगे, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्लास्टिक बहुत ही हल्की होती है, वो बहुत ही लूज होता है, बट ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही टाइट है। और मेरे बाल इतने ज़्यादा मोटे नहीं है ना, तो मेरे को क्लचर हमेशा टाइट चाहिए होता है जो बालों को अच्छे से होल्ड कर ले, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये मैट मैंने लिए है, हैवी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, ये मुझे 150 की मिली है, 150 की मिली है और ये मैंने वॉशरूम के बाहर के ले ली है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी भारी है ये। और इसके अलावा कुछ और डोरमैट्स मैंने लिए हैं घर के लिए, जो मुझे 50-50 रुपीज़ ईच पड़े हैं, एक ये वाला है, ऐसे तो मुझे लखनऊ में भी मिल जाते थे 50 रुपीज़ के, बट यहाँ मुझे इस रेंज में तो नहीं मिलते थे, ये भी 50 का है। और ये थोड़े हैवी वाले लिए मैंने, ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, ये सारे 50 रुपीज़ ईच थे, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये ले लिए हैं, बारिश का टाइम तो मुझे थोड़ा रफ टफ यूज़ के लिए भी चाहिए था, तो ये सारे 50 रुपीज़ ईच मिले हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है। क्रिश ने 2 हेडफोन्स भी लिए हैं, उनके हेडफोन, एक ब्लूटूथ है एक नॉर्मल हेडफोन है, वो भी उनका 150-150 रुपीज़ का है, रीजनेबल बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, बट ठीक था ले लिया। और बस यही सारा सामान थोड़ा बहुत आज लिया है, और एक वाइपर भी लिया था मैंने 150 का था, वो मैंने नहीं दिखा आप लोगों को। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, मैंने एक मीशो से ना एक ड्रायर स्टैंड मंगाया था कपड़े सूखने के लिए, सो मैं उसको जा रही हूँ अभी, क्योंकि कल मेरा 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी डैमेज हुआ, अभी तक वो पैकेट खोला नहीं है, क्रिश अभी घर पे है तो वो पैकेट हम खोल करके और उसको सेट करके देखते हैं, और फिर अगर वो अच्छा होगा तो ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं एटलीस्ट, तो उसकी अनपैकिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, होपफुली ये छोटी मोटी सी प्यारी प्यारी सी क्यूटी क्यूटी सी शॉपिंग हमारी आपको अच्छी लगी होगी,
और फर्नीचर जब आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और बस फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।